कोई डाउट कोई शक कोई शक नहीं होना चाहिए समझ गए चलिए तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे किसमें बेटा प्लेटी हेलमिन में कंटिन्यू करेंगे लेकिन उसके पहले कुछ प्रश्न आपका इंतजार कर रहे हैं और उनके आपको उत्तर करने हैं बेटा ठीक है चलिए मैं अपने को छोटा करता हूं पहले चलो है ना चलो अब आपके सामने पहला प्रश्न क्या है मैं इसमें कुछ लेवलिंग कर रहा हूं कि पहली बात तो आइडेंटिफाई दी दर्गेज ठीक है आइडेंटिफाई द गिवेन ऑर्गेज ओके आइडेंटिफाई दी गिवेन ऑर्गेनिज के इस दिए गए जीप को पहचानी है ठीक है फिर इसको लेवल करना है ये क्या है लेवल नंबर वन ये क्या है लेवल नंबर टू ये क्या है बेटा पहचानना है आपको इसमें ठीक है ना ठीक तो लेवल को आपको पहचानना है क्लियर ठीक है क्लियर ठीक है लेवल नंबर वन क्या है लेवल नंबर टू क्या है ये आपको

थोड़ा गलत लिखोगे चलेगा पर खुद से रिकॉल कीजिए खुद याद कीजिए मुझे अभी हाल ही में एक बच्ची ने फोन ला के बताया उसके बड़े अच्छे नंबर आए उसके 650 के आसपास मार्क्स उसने बताया कि सर मैं लास्ट ईयर किसी कोचिंग में जाया करती थी वहां पर मुझे बुद्धू बच्चा घोषित कर दिया गया था मुझे कहा गया कि तुम नहीं कर पाओगी कभी तुम कुछ और सोच लो तुम के मुझे कहा मुझे उनकी क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी और मुझे वो मैं जब भी उनसे बोलती थी सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो वो टीचर मुझको बोलते थे कि तुम बुद्धू तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा तुम रहने दो तुम तुम्हारे बस की नहीं है तो मैं डिप्रेस हो जाया करती थी लेकिन जब मैं में तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं बुद्धू नहीं मैं हूं मैं हमेशा आपसे कहता हूं बेटा कोई बच्चा बुद्धू नहीं होता हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है दिमागी सर्किट है वो कितना फोकस कर कितना आप उसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, कितना आप उसको देखिए यदि

आप सब में चाहे कोई नंबर रहा हो आप सब में कैपेबिलिटी है कि यू कैन ऑल्सो स्कोर सेवन ट्वेंटी आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी बसरते जी तोड़ मेहनत कीजिए पूरा सिलेबस अच्छे से कीजिए मैं कह रहा हूं कैसे सिलेक्शन नहीं होगा बेटा है ना इस बार सामने आए तो भी आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता है आप बस म, जो है मैं कहता हूं ना जी जलाकर मेहनत कीजिए कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है समझ गए वैसी मेहनत कीजिए मैं कहता हूं अंधेरे में भी उजियारा होने लगेगा कि कही कहीं कहीं ना से सूर्य की रोशनी जरूर आएगी चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हैं, हैं फ्लैट बम हम बोलते हैं फ्लैट बम तो फ्लैट का मतलब क्या होता है वे बेटा वेंट्रली फ्लैट के कहा ना कि ये डॉर्सल सरफेस ये सरफेस के जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे पास में ये रिमोट हटके ठीक है ये क्या है

डॉर्सो वेंट्रली ये फ्लैट होते हैं ये एनिमल किसकी बात कर रहा हूं मैं प्लेटी हेलमिंथस की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं बेटा मैं बात कर रहा हूं, हूं? प्लेटी के बारे में मैं बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं प्लेटी हेलमिंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं इनको कॉमनली हम बोलते हैं फ्लैटॉर्म कहते हैं समझिए बल के देखिए बिल्कुल फ्लैट पत्ती के समान एकदम फ्लैट दिख रहा है आपको समझ में क्या कहां है कि ये है के ना तो यह फ्लैट कृमि बोलते हैं इनको देखिए आप इज ऑल्सो ए फ्लैट वाम ये भी एक फ्लैट वाम है और एक फंडा दिमाग में डाल लीजिए जो भी चमचमाता दिखता है आपको चमचमाता ब्राइट कलर का के खतरनाक है वो क्या है वो वार्निंग साइन वार्निंग कलरेशन तो ऐसे सारे एनिमल जो आपको कलरफुल दिखाई पड़ते हैं एकदम वो सबके सब जो है क्या होते हैं बेटा वो बेसिकली ऐसा है तो प्रकृति में उसको वार्निंग कलरेशन कहते हैं तो ये भी जो है वो आ, मतलब दे दे आर आर डेंजरस इनको खा, जनरली बाकी दूसरे एनिमल इन्हें खाने को अवॉइड करते हैं ठीक है चलिए वो इकोलॉजी का मैटर है अगेन आप देख रहे हो फ्लैट वॉर्म की डॉर्सल और वेंटल सर्फेस पे एकदम फ्लैट है ये ठीक है देखिए आप दिस इज अगेन दूसरा फ्लैट है ना मतलब ये सब हम रियल टाइम रियल फोटोग्राफ है ठीक है फिर देखिए आप दिस इज ए दिसम ये भी क्या है बेटा अभी एक, 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 एक अच्छी बात आई दिमाग में कि कई ये जो वार्निंग कलरेशन दिमाग में आया कि कई लोग कहते हैं सर आजकल आप डांटते बहुत है आप हम हमारी बात भी कम सुनते हैं आप बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो डांट देते हैं आप हम लोगों को ठीक है ऐसा क्यों करते हो आप देखो बेटा मैं मैं पहले ही कहता आपसे कि मैं हो सकता हूं कि मैं थोड़ा सा आपको कभी हैं, दिया, नहीं, मेरे घर में सब नहीं चलेगा, तो हम बोलते हैं पापा तो बहुत बुरे, है ना हमेशा ऐसा करते हैं अपने मन की चलाते हैं देखना मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो पूछूंगा भी नहीं इनको हाँ, ऐसा सोचते है ना ठीक है तो मैं भी डांट देता हूं क्योंकि तो मुझे आपकी सक्सेस से मतलब है मुझे आपको सफल होते हुए देखना है मैं आपको असफल होते हुए नहीं देख सकता हूं इसलिए मैं आपको डांट देता हूं गलत पथ पे जाने से रोकता हूं मैं आपका मनोरंजन यहां बिल्कुल भी नहीं हूं कि मैं आपका मनोरंजन करूं के ऐसे ऐसे मैं में अपना फोटो डालू ऐसे कि मैं सब नहीं करता मेरा सिंपल फंडा भैया देखो जिंदगी बनेगी पढ़ने से ये इंटरटेनमेंट से है ना आपका मनोरंजन होगा सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा चैनल बहुत बड़ा हिट हो जाएगा लेकिन सिलेक्शन नहीं मिलेगा सिलेक्शन मिलेगा सही तरीके से पढ़ने से इसलिए प्लीज भी सीरियस जो नॉन सीरियस है जिनको डांस पसंद है नृत्य पसंद है तो जाइए किसी और चैनल पर जाके देखिए आजकल बहुत चल रहा है एक चैनल है सिले पॉइंट मेरे बच्चे मुझे बता रहे थे ठीक है वहां जाके सुनिए बकवास बहुत मजा आएगा आपको ठीक है तो लेकिन यहां पढ़ने वाले बच्चे सारे यहां पर रहेंगे समझ गए ना चलिए तो अभी हम बात करते हैं फ्लैट की बिल्कुल डॉसो वेंट्रली फ्लैट बॉडी दिखाई पड़ रही है आपको यहां आप पर क्या तो एकदम दिमाग में छप जाए अब क्या पता है उसका नाम क्या यह है प्लेनेरिया प्लेनेरिया के बारे में कहां पड़ा हुआ है हमने जल्दी जल्दी रिकॉल करो बताओ फटाफट 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 कहां पड़ा हुआ है हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन याद आया रीजनरेशन रिप्रोडक्शन इन इनऑर्गेनाइज के रीजनरेशन क्या हाईएस्ट पावर देखने मिलता है नहीं आप इसको इसको जो है वो आप टुकड़ों में काट दीजिए दोबारा से बन जाएगा इसके तो ये क्या होता है बेटा इसमें आपको रीजनरेशन का हाईएस्ट पावर देखने मिलता है ये है, ये दिस इज के अब देखो आप धीमे धीमे जैसे, जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप सिलेंटेटा से पोसे आप टीनोफोरा में आए टीनोफोरा के बाद आप कहां आए प्लेटी हेलमिंथस में आए वैसे वैसे क्या हो रहा है जीवो के अंदर पहले आप समझ लीजिए बात को कुछ फंडा दिमाग में डाल लीजिए और यही याद करना है हमारे साथ मेरे साथ रि, रि, दो बार तीन बार रिवाइज करेंगे यही याद करेंगे ठीक है प्लेटी हेलमिंथस एनिमल इवोल्यूशन में इन ड्यू कोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन प्लेटी हेलमिंथस जो है पहले एनिमल है जिनमें बाइलेट्रल सिमेट्री है जिनमें बाइलेट्रल सिमिट्री है जिनमें क्या दिखाई पड़ रहा है आपको इनमें पहली बार आपको बायोलेट्रल सिमिट्री देखने मिल रही है आपको द्विपार समिति मतलब केवल एक प्लेन है यहां से दो हिस्सों में बांट सकते हो इनमें पहली बार बायोलेट्रल सिमिट्री देखने मिली है आपको इनमेंट के पहली बार इनमें आपको सिफेलाइजेशन देखने मिला हेड का फॉर्मेशन पहली बार आपको इनमें देखने मिला है ना बेटा

पर ये फ्रीक्वेंसी को महसूस कर सकते हैं इनमें सेंसरी लोग होते हैं मतलब कान बनने की शुरुआत और आंख बनने की शुरुआत हो चुकी प्रकृति में ये बिल्कुल प्रीमिटिव मॉडल है एकदम कुछ भी आंख हमारी आई जैसा आई नहीं है इसके पास में हमारे कान जैसा कान भी नहीं है इसके पास के लेकिन कुछ शुरुआत यहां पे हुआ सेंस सार थोड़े और इवॉल्व किए ठीक है फिर इसमें इसमें आपको जो है वो क्या देखने इसमें भी इसमें भी आपको क्या देखने मिला बेटा इसमें आपको नर्वस सिस्टम थोड़ा और अधिक देखने मिला क्योंकि ये ये जो 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 और ये जो जीव है इनमें चूंकि सेंस ऑर्गन इवॉल्व तो नर्वस सिस्टम भी थोड़ा अधिक डेवलप देखने मिला हमें देखिए आप नर्व कॉर्ड दिखाई पड़ रही है फिर आपको गेस्ट्रोवेस्कुलटेटिविटी दिखाई पड़ रही है अब लेकिन इसके साथ भी एक बड़ी समस्या ये है कि इन जीवों में भी आपको यानी जो प्लेटी हेलिमिंथस से उसके अंदर भी आपको ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान देखने मिलेगा ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान देखने मिलेगा मतलब केवल एक सिंगल ओपनिंग होगी वही माउथ के समान काम करेगी और वही एनस के समान काम करेगी आपको ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान देखने मिलेगा पर याद रखिएगा ये पहले जीव हैं जो ट्रिप्लो ब्लास्टिक क्योंकि ट्रिप्लो ब्लास्टिक तो हमने कई सारे जनरल फीचर तो यही याद कर लिए हमने

देखने में लड़के ये एक बड़ा खतरनाक पैरासाइट है परजीवी है है दिस इज़ ए नाम इसका फीता टैबर्मी और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है आ, इंडिया के अंदर भी और कई सारे लोग आपको मिलेंगे बहुत दुबले पतले होंगे खूब सारा खाना खाएंगे लेकिन जो है उनको भोजन लगेगा ही नहीं उनके बीमार रहेंगे हमेशा हीमोग्लोबिन काउंट कम आएगा उनका मिन, न, मिनरल न्यूट्रेंट काउंट के क्या का लेवल भी कम आएगा उनका और अक्सर बीमार दिखाई पड़ेंगे गाल पे उनके एक अलग कलर का धब्बा धब्बा है ना आप, आप देखेंगे स्किन में तो गाल में एक लाइट कलर के धब्बे धब्बे देखने मिलेंगे वो फंगस नहीं है वो अलग तरह के धब्बे इनके ठीक है पूरे समय इचिंग करते रहेंगे वो लोग के आप जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उनका इम्यूनोग्लोबिन ई आईजीई उनका बड़ा हुआ आएगा ऐसे लोगों को कृमि की समस्या हो सकती है दे है वर्म इन्फेस्टेशन वो चाहे राउंड वर्म हो चाहे वो टैप वर्म हो आपका फ्लैट वर्म के ये जो टैप वर्म है ये इसको निकालना मतलब बड़ा ट्रिकी होता है ये बड़ा मतलब बड़ा ढीट टाइप का होता है एक बार बॉडी में गया तो लंबे समय तक रहता है और ये कैसे होता है जो जनरली वो जो लोग पोर्क खाते हैं पॉर्क होता है सूअर या पोर्क जो खाते हैं सूअर का मीट या पोर्क खाते हैं उनको टीनिया सोलियम का इंफेक्शन होता है और जो लोग गाय खाते हैं उनको जो है वो गाय या दूसरे कैटल खाते हैं उनको जो है टीनिया सेजाइनेटा का इंफेक्शन होता है उनको के और जो न, जो दो, दोनों दोनों चीजें नहीं खाते उनको भी कई बार इसके इसके जो जो इसके जो जो इसके इंफेक्टिव

फॉल्स सेगमेंटेशन है तो याद रखिएगा इसके ये ट्रू सेगमेंट नहीं है ये ये फॉल अंदर से ये बकायदा सेगमेंट नहीं बना हुआ केवल बाहर से दिखाई पड़ रहा है तो इट इज फॉल्स सेगमेंटेशन के ट्रू सेगमेंटेशन मेटामेरीज नहीं होता है इसे बोलते हैं हम स्यूडो मेटामेरीजम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम स्यूडो मेटामेरीजम कहते हैं इसको पहले सुन लो बाद में नोट करना इसे स्यूडो मेटामेरीज कहते हैं बेटा ठीक है ना चलिए देखिए है ना ये एंडोस्कोपी है ना जब इंटेस्टाइन की स्टडी करने के लिए हम कौन सा कौन सा जो है वो डिवाइस यूज करते हैं एंडोस्कोप यूज करते हैं एंडोस्कोप से जब इंटेस्टाइन के अंदर देखते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं हम एंडोस्कोपी कहते हैं जो गेस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं जो स्टमक के और इंटेस्टाइन के एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं जो जी को देखते हैं बेसिकली जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक की डिजीज को देखते हैं उन लोगों वो लोग डॉक्टर वास्तव में एमबीबीएस होते हैं एमडी होते हैं और फिर वो डीएम करते हैं DM gastroenterology. और ये लोग एंडोस्कोपी के एक्सपर्ट होते तो एंडोस्कोपी करते हैं एक ट्यूब होता है ट्यूब को आपके अंदर मुंह से डालेंगे अंदर उस ट्यूब के सामने कैमरा होता है पूरा इंटेस्टाइन देखते हैं तो ये एंडोस्कोपी के दौरान लिया गया फोटोग्राफ है जो बता रहा है कि देखिए कि, देखे कि जो है इंटेस्टाइन में जो है वो किस प्रकार से आपको जो है वो ये वॉर्म दिखाई पड़ा तो और जब कोलोन के थ्रू ये इस तरह का ही एक कैमरा ट्यूब जो है वो कोलोन से इंटर करते हैं तो उससे कोलोनोस्कोपी कहते हैं उनके तो इंटेस्टाइन की डिटेल स्टडी करने के लिए हम कोलोनोस्कोपी का भी यूज करते हैं ठीक है तो आप देख रहे हैं कि आपको इसमें जो इंटेस्टाइन के अंदर

आई टू नो अबाउट उट टर्म क्या होता है इसके बारे में जानना है मुझे मुझे जानना है कि फ्लैटबर्म किस तरह के होते हैं क्या फीचर इनमें होता है, है ना यही आपको सक्सेस दिलाती है समझ गए ना तभी तो याद रहेगा बेटा नहीं तो याद ही नहीं, नहीं रहेगा इतना कोर्स इतना सारा है कि आप कोर्स को भाग भाग के कर लीजिए वो याद ही नहीं रहेगा एग्जाम में जाके तो हमें वो एग्जाम तक याद रहना चाहिए चीजें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें पहले नोट करते हैं देखो बेटा फाइलम प्लेटी हेलमीन प्लेटी मतलब होता है फ्लैट हेलमीन मतलब होता है वर्म के याद रखिएगा बेटा वर्म की स्टडी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं स्टडी ऑफ वर्म्स इन हेलमिंथोलॉजी हेलमिंथोलॉजी स्टडी ऑफ वर्म्स के उसमें सब तरह के वर्म्स आते हैं बेटा है ना ठीक है आपको यह पढ़ना पड़ता है एमबीबीएस में एमबीबीएस में आपको यह सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ता है क्या छोटा सब्जेक्ट होता है पढ़ना पड़ता है बेसिकली पैरासाइटोलॉजी के नाम से होता है ठीक है अराउंड ट्वेंटी थाउजेंड स्पीसीज प्लेटी हेलमिन की ज्ञात है के लीफ लाइक दिखाई पड़ते हैं रिबन समान दिखाई पड़ते हैं फ्लैट बॉडी होती है फ्लैट बॉम कहलाते हैं इटके एरिस्टोटल मेंशन टैब पर एरिस्टोटल ने अरस्तु ने सोचे 324 बीसी के 324 बीसी बिफोर क्राइस्ट के तब अरस्तु ने जो है पहचान लिया था किसके बारे में टैब के बारे में लेकिन उसकी साइंटिफिक स्टडी बहुत बाद में हुई है मतलब कितने हजारों वर्ष के बाद में जो है एटीन सेंचुरी में उसकी जो है वो साइंटिफिक स्टडी हुई कि फ्लैडवर्म होते क्या है एक्चुअली के

एंडोप्रस बॉडी के जो बॉडी के अंदर जो बॉडी के अंदर रहेगा वो एंडोप्रोसाइट है और एक्सो जो बॉडी के बाहर रहेगा ये वर्ड लिख लेना भूलना नहीं टर्मोलॉजी पता हाँ चाहिए बायोलॉजी के अंदर आपको मालूम होना चाहिए ठीक है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान मतलब बेटा कि सिंगल एक ओपनिंग होगी उसमें वही माउथ के समान काम करेगी वही एनएस के समान काम करेगी ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान बोलेंगे हम ठीक है थीके?

बिलाई कहते हैं मैं फिर से लिखता हूं स्ट्रोबिलाईट के स्ट्रोबिलाई हिस्से होते हैं इसके जो ट्रू सेगमेंट नहीं होते हैं टीनिया सोलियम में देखने मिलते हैं ठीक है अब आते हैं हमारी प्रिय पुस्तक एनसीईआरटी के ऊपर कि एनसीईआरटी वाले बाबा क्या बोलते हैं ठीक है है ना इतना सुनने के बाद अब एनसीईआरटी वाले बाबा क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं हाँ एनसीईआरटी में हर चैप्टर के ऊपर ऊपर एक क्यूआर कोड दे रखा है उस उसक्य कोड को देखो बेटा मोबाइल से आप मोबाइल को ऑन कीजिएगा मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिएगा और आप रखेंगे तो जो अच्छे मोबाइल है उनमें आप कैमरा ऑन करके रखेंगे तो क्यू आर कोड को पढ़ लेगा और यदि आपका मोबाइल जो है वो थोड़ा सा एडवांस नहीं है तो आप एक काम करेंगे आप एक ऐप होता है गूगल प्ले स्टोर पर जाइए क्यू आर कोड रीडर क्यू आर क्यू आर कोड रीडर उस ऐप को यदि आप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे फिर आप करेंगे, तो आपका, आपका वो, वो एनसीआर तो में जो, जो थ्योरिटिकल क्वेश्चन उनके आंसर है ठीक है तो हर बुक में उन्होंने क्यू हर चैप्टर के आगे क्यू कोड रखा है जो उसे एनसीआरपलर से कनेक्ट करता है उसके एमसीक्यू उसके आंसर तो वो सारे एनसीआर के एमसीक्यू आपके ऑलरेडी बुकलेट के अंदर दे रखे ऑलरेडी आपकी बुकलेट के अंदर सारे के सारे के एमसीक्यू दे रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं लेकिन तब भी आप क्यू आर कोड क्वेश्चन करके देख लेना जो क्वेश्चन उनको भी एक बार पढ़ लेना चाहिए कोई बुराई नहीं है इसमें ठीक ना स्पेशली वाले वाले बच्चे 11th वाले बच्चे तो एनसीआरटी वाले बाबू क्या बोलते हैं बॉम्स आर बायोलेट्री सिमेट्रिकल बिल्कुल सही बात है मैंने कहा पहला फीचर की ये बायोलेट्रल सिमेट्री वाले पहले जीवन अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात पहला 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 याद रखना है पहला 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 हमेशा याद रहता है क्या पहला ठीक है अरे भाई मैं पहले प्रेम की बात नहीं कर रहा मैं पहले बार जो एनिमल इवोल्यूशन क्या बात करते हैं यार तू तो पहला बोला मतलब झट से जोड़ करके तो पहले का मतलब क्या है पहले का मतलब है कि पहली बार बायोलेट्रल सिमेट्री कहां देखने मिली हमें प्लेटी हेलिमेंटस में देखने मिली पहले जी ऐसे एनिमल थे जो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे ये भी पहला पहला है फर्स्ट फर्स्ट ठीक है है ना और ये अभी भी ए सीलोमेट है भाई को भाई इसमें सीलोम नहीं बना इसमें सीलोम नहीं बना होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो है सीलोम का फॉर्मस यहां पर नहीं होता है के, और इनमें ऑर्गन पहली बार है पहली बार ऑर्गन बनाया पे तो इनमें हमको ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है जबकि सिलेंटेटा में और टीनोफ्रा में क्या था टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था ठीक है हुक्स एंड कर आर प्रेजेंट इन दी प्राटिक फॉर्म भाई आपको दिखाया मैंने अभी अभी दिखाया था हमने हेड ऐसे से निकले थे उसमें जुड़ने के लिए तो क्या बोल रहा है वो हुक है होते हैं सकर्स होते हैं जो आपको परजीवी में फॉर्म में फॉर्म देखने मिलते हैं जो इंटेस्टाइन से जुड़ने में हेल्प करते हैं सकर्स क्या होते हैं फूड को लेने के लिए तो सकर्स क्या होते हैं था बेटा एक हमको ओपनिंग दिखाई पड़ती इसमें इमेज दिखा था तो सकर होते हैं फूड को सक करने के लिए हुक होते हैं चिपकने के लिए यहां पर के वो परजीव में देखने मिलते हैं ये जरूरी क्यों है क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर होता है

पचे को 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 पूरी से कर सकता है है के मतलब ये सकर के ले ना ले सकर जुड़ने में भी हेल्प करेगा, सक करेगा, को पकड़ने में हेल्प करेगा, को लेंदर लेने में भी भी करेगा 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 ठीक सक पकड़ने लेने लेकिन इसकी पूरी बॉडी जनरल सर्फेस के थ्रू पूरी बॉडी से फूड को अंदर ये ले सकता है के, अब जो जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है जो का है वो है बेटा फ्लेम सेल्स

याद है ना में क्या था बेटा लेसो सेल्स था कोलोब्लास्ट था कोलोब्लास्ट था लेसो सेल्स थे इसमें और यहां पर क्या है, फ्लेम सेल्स है, के। फ्लेम सेल जो होती है वो जब आप देखते ऐसी ना आग, आग फायर फायर के फ्ल के समान दिखाई पड़ती है जलती हुई आग के समान वो दिखाई पड़ती है फ्लेम सेल्स बोलते हैं इनको के तो फ्लेम सेल जो होती है बेसिकली दिस द बिगनिंग जहां से किडनी बनना शुरू हुआ ये प्रोटोनिया होते हैं ये है। ये ये हैं क्या है बेटा किडनी नहीं बना इसमें। लेकिन शुरुआती एक चीज शुरू हुई जिससे के फिर कई, कई जीवों के बाद में इवोल्यूशन में फिर आगे जाके किडनी बना पे तो ये एक्सक्रिट्री सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है तो फ्लेम सेल्स का संबंध अब कैसे याद रखना है एफ फॉर फ्लेट बॉर्व एफ फॉर फ्लेम सेल्स ठीक है ना ठीक है, फ्लैम सेल एफ फॉर फ्लैम सेल एफ फॉर फ्लेट वर्म याद रहेगा हमें सबके के फ्लैम वर्म जो है क्या करता है बेटा ये जो है वो एक्स्यूटरी मेटल को जो है वो बाहर रिलीज करता है उठ के ठीक है ना चलिए आते हैं वापस में क्या लिखा

के तो फ्लेम सेल्स तो हमको फ्लेटवर्म प्लेटी हेल्मिंथस में देखने मिलती हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं क्लियर देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल्स होते हैं प्रोटोनैफ्रिडिया है, भी कहते हैं इसको बेटा भूलना नहीं है इंपॉर्टेंट है है ना याद रखना है इसको के देखिए आपके ये आपको एक सिंगल आपको एक सिंगल फ्लेम सेल बल्ब के समान दिखाई पड़े के, एक बल्ब के समान दिखाई आ सकता है जलता हुआ बल्ब होता है ना फ्लेम से उससे कुछ आग निकल निकल ग्रुप में होता है तो हमको जलती हुई आग के समान दिखाई पड़ता है हमको ये बल्ब के समान दिखाई पड़ता है इसको, इसको फ्लैम बल्ब बोलते हैं फ्लैम बल्ब भी कहते हैं इसको फ्लैम सेल भी कहते हैं देखिए आप ठीक है तो क्या इसमें

You should download Biomentor's app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentor's. Bye-bye. Continue your lecture. says. <laughs> <laughs> ये पूरा ग्रुप ऐसा लगता है आग के समान के आग की लपटों के समान दिखाई पड़ता इस दिखा है इसलिए फ्लैम सेल्स बोला फ्लैम सेल्स दिखाई दे रहे हैं ना ठीक है क्या काम करती है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्यूशन याद कर लो एफ फ्लेट वर्म में फ्लेम सेल्स देखने मिलती है जो एक्सक्रेशन करती है और ऑस्मो रेगुलेशन करती है ठीक है फिर पहली बार पहली बार ऐसे एनिमल बने जिनमें हेड का फॉर्मेशन हुआ जिनमें हुआ, जिनमें देखने मिलता है हमको ठीक है, एंट है और नर्वसलाइक सीढ़ी के समान आप देख रहे हैं इसमें आपको नर्व कॉर्ड दिखाई पड़ रही है जो नर्व नेट बना रही है तंत्रिकाओं का एक जाल बना रही होती है लाइक नर्वस लेटर लाइक याद सीधा सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीधा पूछा कैसा दिखाई पड़ता है नर्वस का लेटर लाइक सीढ़ी के समान दिखाई पड़ता है ठीक है फिर क्या दिखाई पड़ रहा है दो मेन नर्व कॉर्ड जो है पूरी बॉडी के अलॉन्ग पैरेलल बॉडी के पैरेलल दो नर्व कॉर्ड निकलती है बेटा यहां पे देख रहे हैं आप बिल्कुल साफ साफ इमेज में दिखाई पड़ रहा है कि दो मेन नर्व कॉर्ड बॉडी के अलोंग आपको दिखाई पड़ती है क्लियर ठीक है सेंस ऑर्गन बेटर डेवलप्ड इन फ्री लिविंग फॉर्म देखो सिंपल सी बात है सेंस ऑर्गन की जरूरत एंडो पैरासाइट को नहीं होती है भाई सेंस ऑर्गन चाहिए बाहर क्या हो रहा है शिकारी से बचना है उसके लिए चाहिए सेंस सेंस ऑर्गन ताकि आसपास के को करके आप अपनी जान को बचा सके आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस करके आप अपनी लाइफ को सेव कर सके और आप क्विक रिएक्शन ले सके उसके लिए सेंस ऑर्गन होते हैं और जो पैरासाइट होते हैं उनमें याद रखना हमेशा जो परजीवी होगा उसमें सेंस ऑर्गन कम डेवलप होंगे क्योंकि उसको होस्ट मिल गया बात खत्म हो गया वो host के अंदर रह रहा। और स्पेशली है, होते हैं नहीं होते ठीक है तो ये जो free living form उसमें sense organ as compared to tap worm अधिक evolve देखने मिलेंगे तो फंडा ये बेटा कि जो 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 होगा ना बेटा उसमें sense organ अधिक इवॉल्व क्योंकि उसको से इंटरेक्ट करना पड़ेगा ठीक है अब इंटरेस्टिंग बात है इसकी एपिडर्मिस जो होती है वो सेलुलर या सिंसिजियल हो सकती है है ठीक है फ्रीक्वेंटली सिलिटेड होती है अब इसकी जो एपिडर्मिस होती है ना ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि जो है, जो जो होते है होते हैं उनको इंटेस्टाइन के अंदर एसिड का इंटेस्टाइन के अंदर जो नॉट एसिड केमिकल है जो केमिकल है उन केमिकल का सामना करना पड़ता है कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइमों का सामना करना पड़ता है तो इनकी जो स्किन होती है बेसिकली वो एक प्रकार से प्रोटेक्टिव स्किन होती है इत उसमें फ्रीक्वेंटली सीलिया देखने मिलेंगे आपको इत के और वो मल्टी न्यूक्लियट होगी इसकी जो स्किन सेल होंगी वो मल्टी न्यूक्लियट हमको देखने मिलेंगे इसके मसल लेयर प्रेजेंट बिटवीन बॉडी बॉल एंड गट बॉल के जो बॉडी बॉल है और गट बॉल के जो शरीर की भित्ति है और जो इंटेस्टाइन की भित्ती है उसके बीच में आपको मसल लेयर जो देखने मिलेगी इस और ये आ, आप ये जो ये है इसमें लेकिन सीलोम नहीं होगा इसमें क्या सीलोम नहीं होता के नो लोकोमेटरी अपेंडिज इन फ्लेट व्लेट वॉर्म में कोई भी लोकोमेट्री ऑर्गन देखने नहीं मिलेगा लोकोमेट्री एपेंडि आप देखते ना कि ऑर्थोपोडा में पेयर होते हैं आपको दिखाई पड़ते हैं अपेंडिजिस दिखाई पड़ते हैं तो कोई भी लोकोमोशन में हेल्प करने वाला अपेंडिजेस आपको फ्लेट वॉर्म में देखने नहीं मिलेगा ठीक है

ए सिलोमेट होते हैं ये ए सिलोमेट होते हैं तो इनमें सीलोम तो होती नहीं है सॉलिड टिश्यू भरा होता है जिसे पैरेन्काइमा बोलते हैं तो पैरेन्काइमा बता कोई भी फिलर टिश्यू कोई भी फिलिंग टिश्यू पैरेन्काइमा ही कहलाता है चाहे वो प्लांट की बात कर ली जाए एनिमल की बात कर ली तो पैरेन्काइमा बोलते हैं तो वाला नहीं है

इंटेस्टाइन की कैविटी है ठीक है ना है ना ये फेरेंजल मसल्स दिखाई पड़ रहे हैं ये पैर मसल दिखाई पड़ रहे हैं लॉन्ट मसल दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे सीलिया दिखाई पड़ रहे हैं स्किन के ऊपर ठीक है ग्लैंड सेल्स हैं इसमें बाहर एपिडर्मिस है ये सर्कुलर मसल दिखाई पड़ रही है मतलब जो भी चीज है वो सब जो है वो इस टिश्यू के अंदर ही प्रेजेंटेड के तो वास्तव में जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में सॉलिड हम बोलते हैं सेल सॉलिड नहीं बोलेंगे सरूलर बोलेंगे सर्वुलर हमको जो है वो अरेंजमेंट कहां देखने मिलता है वो देखने मिलता है में तो ये एसीलोमेट होते हैं

और पूरी में सिमिट्री नहीं होती है बाकी सारे एनिमल में सिमिट्री होती है थके? तो हमने क्या कहा कि इनमें सिमिट्री होती है एनिमल विद सिमिट्री हैव विध सिट पोलोरिटी देखिए जिन भी एनिमल में आपको सिमिट्री देखने मिलेगी उनमें आपको दो एंड देखने मिलेंगे क्योंकि वो उनमें वो, वो कैसे होंगे एनिमल वो ऐसे एनिमल होंगे वो ठीक है बायोलेट्रल सिट्री एक एंड ये होगा एक एंड ये होगा इसमें दो एंड देखने मिलेंगे एक तरफ हेड होगा और एक तरफ उसका अपोजिट हिस्सा होगा उसमें ठीक है सम मेंबर्स कुछ मेंबर में आपको बॉडी में सेगमेंट्स देखने मिलते हैं जैसे हमने टेब वर्म में देखा था अभी और ये सेगमेंट जो होते हैं प्लेटी सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के तो कौन सा एनिमल को दर्शाता है तो आंसर इसका है में हमको कुछ एनिमल्स में देखने मिलती है ठीक है मेनी ऑफ पेरेंटमा सेल्स गिव राइज टू मसल फाइबर तो जो पेरें सेल्स हैं जो टिश्यू सॉलिड टिश्यू भरा हुआ है सेल्स के अंदर वो मसल फाइबर को प्रोड्यूस करती है ठीक है मसल फाइबर जो है वो सर्कुलर लॉन्ग्रल और वर्टिकल लेयर में अरेंज होते हैं और ये पहले एनिमल है जिनमें कि आपको मसल फाइबर जो है बकायदा लेयर्स के रूप में अरेंज आपको दिखाई पड़ते हैं तो मसल फाइबर अरेंज होते हैं सर्कुलर लेयर के रूप में लॉन्गल और वर्टिकल लेयर के रूप में आपको देखने मिलते हैं ठीक है और इनमें कोई मूवमेंट के लिए कोई अपेंडिक नहीं होते हैं ये इन्हीं मसल फाइबर के थ्रू ये मूव करते हैं

सेगमेंट्स सेगमेंट्स इज विजिबल बोथ वेन बॉडी इज डिवाइडेड इंटरनली एंड जो ट्रू मेटाबॉलिज्म उसमें सेगमेंट आपको अंदर और बाहर दोनों प्रकार आपको देखने मिलेंगे जबकि मेटाबॉलिज्म में सेगमेंट केवल बाहर से देखने मिलेगा अंदर से बॉडी सेगमेंटेड नहीं होगी अंदर से एक समान कंटिन्यूस बॉडी होगी ठीक है सेगमेंट्स आर फ्यूज एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड ऑन विल के इसके सेगमेंट जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं वो वो एनिमल अपनी मर्जी से ट्रू में, में, एनिमल अपनी को लूज नहीं करता है जबकि जब पे सेगमेंट जो होते हैं वो लूजली जुड़े होते हैं और एनिमल अपनी इच्छा से उसको रिमूव कर सकता है ठीक है मेटामरिज आपको एनलिडा में देखने मिलता है और कुछ हद तक आपको ऑर्थोपोडा और कोटा में भी आपको देखने मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं टेगमेटाइजेशन बोलते हैं एक्चुअली जो uh, में उसका मेटाम और सीडो देखने, देखने, देखने मिलता है आपको tapworm, tapworm के जो हिस्से होते हैं, प्रो गोटेड बोलते हैं क्या हैं बोलते हैं प्रो गोटेड बोलते हैं आपको ये देखने मिलता है जो प्रोगेड होते हैं उसमें आपको देखने मिलता है ठीक है ना क्लियर स्ट्रोबलाई बोलते हैं

टेबर में क्योंकि टेबवर में क्यों जरूरत ही नहीं ना वो अपनी पूरी बॉडी की जनरल अपनी पूरी बॉडी की जनरल सरफेस से वो जो है फूड को एब्जॉर्व कर सकता है जबकि जो जिसमें जिसमें आता है प्लेनरिया जिसमें आता है प्लेनरिया। अब देखो बेटा कुछ नाम आपको थोड़े से थोड़े से यहां पे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि सिस्टोडा क्या है, ने ने क्या है है तो थोड़ा सा यहां पर हमें एक लेवल नीचे जाके जो है थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तब उसके बगैर एमसीक्यू नहीं बनेंगे कई बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे तो फिर डिप्रेशन लगता है हमको के और एनटीए के डेटाबेस में जो नए क्वेश्चन उन्होंने डाले हैं वो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन है बेटा इसलिए हमको अलर्ट रहना है और बिल्कुल दिमाग में रखना है और आपको बता दूं मैं कि एनटीए जो है एन बड़ा एन

जो बाहर फ्री लिविंग होते हैं तो इनको जो है कनाल हैं। में ब्रांच कनाल देखने मिलती है, एनस जो है वो किसी में नहीं था। एनस ब्लाइंड सेक बॉडी प्लाट जो माउथ है वही एनस का समान काम करेगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं जनरल सरफेस से गैस को लेते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं एक्सचेंज करते हैं और कई सारे प्रोसाइट होते हैं जो ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं ठीक है कई सारे वो एनारोबिक होते हैं बगैर ऑक्सीजन के भी वो सर्वाइव कर सकते हैं और इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी इवॉल्व नहीं होता है इनमें दर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है

नहीं होता है इसमें ब्लाइंड से बॉडी प्लान होता है सिलेंटेटा के समान फीचर है ठीक है सिंपल सेंस ऑर्गन देखने मिलते हैं इनमें आई स्पॉट होता है इट कैन सेंस इट कैन सेंस लाइट ये लाइट को सेंस कर सकता है ठीक है हर में होते हैं मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही एनिमल में देखने मिलता है बाईस एनिमल होते हैं मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही एनिमल में देखने मिलता है इनमें जो गोनाड्स होते हैं गोनाड मतलब है कि मेल गैमेट बनाने वाला हिस्सा और फीमेल गैमेट बनाने वाला ऑर्गन जो मेल गैमेट बनाने वाला ऑर्गन है मेल गोनाड है फीमेल बनाने वाला गैमेट बनाने वाला फीमेल गोनाड है वो डेवलप्ड देखने मिलते हैं गोनाड में डक्ट भी होती है इनमें ठीक है देखिए

रिसेप्टर के रूप में ये वर्क करते हैं तो एक्चुअली दिखाई पड़ते हैं कान के समान पर बट बेसिकली प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये केमिकल से को सेंस करते हैं और साउंड वेव को महसूस भी कर सकते हैं परंतु इनका प्राइमरी और आगे चल के इसी से फिर इवॉल्व हुए दिखा अंदर बाहर दिखाई नहीं ये फैरिंग्स वाला हिस्सा है ठीक फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन इज इंटरल के मैंने फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल फर्टिलाइजन आपको देखने बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है आपके सेल्फ या क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है आपके बेसिकली ये प्रेफर करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन भले ही इनके पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो पर एक एनिमल का मेल पार्ट दूसरे एनिमल के फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज करता है और दूसरे एनिमल का मेल पार्ट पहले वाले एनिमल के फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज करता है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमको देखने मिलता है डेवलपमेंट डायरेक्ट या इंडायरेक्ट इसमें हो सकता है एंडोपेरासाइड जो होते हैं जनरली वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को शो करते हैं और कई सारी लार्वा अवस्थाएं भी यहां पर हमको देखने मिलती है देयर आर सो मेनी लार्वल स्टेज हमको यहां पर देखने मिलती है ठीक है जो इनका एग होता है बड़ी संख्या में एक प्रोड्यूस करते हैं उसमें योग नहीं होता है ठीक है तो बेसिकली ये ए लेसिथल जिनमें ये, ये जो योग नहीं था तो उसको एलेसिथल एग बोलते हैं हम, ठीक है थाके? योग प्रोड्यूस सेपरेटली इन वाइटलाइन ग्लैंड के बाद में वाइटलाइन ग्लैंड जो है अलग से एक को प्रोड्यूस करती है इसमें ठीक है ना बेटा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है देखिए एक के अंदर योग नहीं होता है योग नहीं होता है योग मतलब पीला पदार्थ जो ये, जो नॉरिशमेंट में काम आता है लेकिन बाद में वाइटलाइन ग्लैंड जो होती है योग को प्रोड्यूस करती है अब ये सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी एडवांस है बेटा एक बार पढ़ी होना चाहिए ताकि हम एग्जाम में क्वेश्चन को लगा सके ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ट्रांसफरफिशन देखने मिलता है रिप्रोडक्शन में आपको ट्रांसफर्स प्लेन पर आपको जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा इसके दो हिस्सों में ये बढ़ जाएगा, जाएगा। ट्रांसवर्स फिशन आपको देखने मिलेगा ठीक है लाइफ साइकिल में इनकी लाइफ साइकिल में एक या एक से अधिक होस्ट हो सकता है इसके ये फ्री लिविंग हो सकते हैं और परजीवी हो सकते हैं बेटा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्म है इसलिए हम इनके बारे में इतना डिटेल में बात कर रहे हैं बेटा ठीक है ना

फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है इसमें फर्टिलाइन आपको इंटरवल इंटरनल uh, देखने मिलेगा मतलब फीमेल बॉडी के अंदर होगा के डेवलपमेंट जो होते है, होता है वो आपको आपको कई सारी लार्वल डेवलपमेंट आपको कई सारी लार्वल मेनली इट इज इनडायरेक्ट मेनली इट इज जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमको देखने मिलेगा इसके कुछ मेंबर जो होते हैं जैसे प्लेटेरिया में आपको हाई रिजनरेन कैपेसिटी देखने मिलता है मतलब इन्हें दो हिस्सों में बांट दीजिए डैमेज होगा नया प्लेटेरिया बन जाएगा टूटे हिस्से से एग्जाम्पल इसके क्या है टीनिया टैब वन

बेटा है ना चलिए अब यहां पर चूंकि वॉर्म हैं इनका बड़ा अधिक इंपॉर्टेंस मेडिकल फील्ड में है वॉर्म से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी इनका आया हुआ है वॉर्म से काम के हैं ह्यूमन हेल्थ के पॉइंट से ये बड़े होते हैं, तो हमें बारे में जानकारी रखनी पड़ती थोड़ा सा करता है कि एक लेवल में और ये सब कुछ जानकारी कैसे मिलती है प्रीवियस के क्वेश्चन चलेगा हाँ ये चीजें मालूम हमको होना चाहिए ठीक है।, है ना ठीक फाइलम प्लेटेल मिलता क्लास अब देखो तीन इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है जो दिमाग में रखना है है ना एक में आता है टेबर सिस्टोडा दूसरे में आता है प्लेनेरिया आता है वो क्या है वो के और एक होती है ट्रेम फेसूल आता है ब्लड फ्लू वगैरह आते हैं खून पीने वाले फ्लैट जो फ्लेट वॉर्म वो आते हैं इसमें ठीक है इस देखिए तो यदि हम के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कैसे क्वेश्चन ये कि पोरीफेरा का अब देखो मैं कंपेरेटिव आपको याद करवा रहा हूं पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन जो है वो स्पीक्यूल्स के आधार पर किया गया सिलेंटेटा का पॉलीप और मेडुसा अवस्था के आधार पे किया गया और टीनोफोरा का टेंटेकल्स प्रेजेंट है या नहीं इसके आधार पे किया गया याद आया कि नहीं आया है ना पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन कैसे किया था हमने स्पिक्यूल्स के आधार पे कि सिलिशियस हैं कैल्सी कैल्केरियस हैं किस तरह के सिलेंटेटा का हमने किया था किसके आधार पे पॉलीप और मेडुसा के आधार पे ठीक है ना और

तीन टर्रिया ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा के ठीक है बेटा एक बार दो बार पढ़ लेना और एमसीक्यू मैं दूंगा आपको बस वो लगा लेना उसके अलावा डिटेल में नहीं जाना के। मैं क्लियर कर दू बहुत डिटेल में हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे हम वही डिटेल रखेंगे जो एग्जाम है बार बार बोलना पड़ता है पहली बार मैं इस बैच को बोल रहा हूं बार बार को कि बच्चे जो है वो उनको पता नहीं कहां से भ्रम हो जाता है उनको लगता है कि सर तो फालतू पढ़ा रहे अरे भाई भाई मैं आप खुद सोचू ना कि मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल चीज क्या है खत्म अगला पलटते हैं खत्म

अमेरिका में कोई पेपर हो रहा होगा ना इंट्रेंस का वो भी फोड़ के जाएंगे ओलंपियाड आएंगे फोड़ देंगे ठीक है तीन क्लास है ट्रमिलेरिया ट्रमिलरिया ट्रमिले ट्रमिले की बात करें फ्री लिविंग याद रखना फ्री लिविंग है मेजरली एक्वाटिक समुद्र में के पानी में होगा फ्रेश वाटर में रहेगा आपको के और अनसेगमेंटेड बॉडी होगी बॉडी पे सीलिया देखने मिलेगा ठीक है और डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट ये इनमें आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें लार्वा देखने नहीं डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा इसका एग्जाम्पल है डुगेसिया इज एग्जाम्पल ठीक है याद याद हमको हमको ये ये क्लास रखना रखना है हमको ये याद रखना है है ठीक के लेकिन मोस्टली प्लेटी कोई स्पेसिफिकली पूछेगा आपसे वो के बारे में, के बारे में, है। लेकिन एज ए क्लास पूछेगा आपको तो NCRT के अकॉर्डिंग लिखा ना बहुत सारे लार्बल स्टेज होते हैं मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है एनसीआरटी के, के अकॉर्डिंग क्लियर क्लास आप इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही आंसर लगाना बेटा प्लेनरिया पूछेगा तो डायरेक्ट डेवलपमेंट आंसर लगाना दिमाग में रखना है चीज को यही तो ट्विस्ट है एग्जाम का ठीक है देखिए अपना ये हम देख रहे हैं प्लेनरिया को देख रहे हैं पहले भी देखा इसका देख प्रेंगर्या, प्रेंगर्या, फिर बात करते हैं ट्रेमेटोडा की बात करते हैं इनको फ्लूक्स बोलते हैं फ्लूक्स के?

ब्लड फ्लूक हुआ ये सब क्या है बेटा ये सारे के सारे जो है वो आ, ट्रे, ट्रेमेटोडा में आते हैं क्या ठीक है फिर देखिए आप ये है ब्लड फ्लूक ब्लड फ्लूक है ठीक है फिर सिस्टोडा टैब वर्म के सिस्टोडा इज वर्म के फीता किर्मी. ये एक्सक्लूसिवली एंडोप्रासाइड होते हैं याद रखिएगा आपके यहां इनमें कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है इनमें इंटेस्टाइन भी नहीं होती है नो, नो माउथ नो गट के इनमें क्या होता है बेटा इनमें जो है वो सकर्स होते हैं और इनमें जो है वो आपके हुक्स होते हैं जो बॉडी को पकड़ने के लिए होते हैं बैठ के और इनमें भी टेग्यूमेंट पाया था जो एसिड के, के और केमिकल्स के एल्कलेमिकल्स एंजाइम से इसको सेव करता है सीडो मेटाबोलिज्म देखने मिलता है हमको और सोलियम क्या होता है टीनिया सोलियम होता है के ये नाम है सोलियम होता जो पॉर्क खाते हैं उनको जो जो है कच्चा या अधपका नॉट प्रॉपरली कुक्ड पॉर्क खाते हैं उनको होता है टीनिया सेजनेटा बीफ जो बीफ खाते हैं उनको जो है टीनिया सेजनेटा का इंफेक्शन हो सकता है तो कहने का मतलब यह है कि टेबर्म कभी भी आपको जो है मुस्लिम पॉपुलेशन में आपको जो है वो टीनिया मिलता, मिलता है, ये प्रिवेंटिव का है मेडिकल कॉलेज में बताया जाता है कि आपको इन्फेक्शन देख के आप जो है वो कि किस कम्युनिटी में कौन सा टेबर्म हो सकता है होना चाहिए हमारे यहाँ पे तो कम्युनिटी अलग अलग बट्टी भी होती है तो हमको जानकारी किस कम्युनिटी में क्या किस तरह का वॉम इन्फेक्शन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दी फूड हैबिट ठीक है ना तो टीनिया सोलियम जो है वो पॉर्ट टेबर में टीनिया सेजिनेटर जो है वो बीफ टेबर होता है ठीक है देख रहे हैं आप ये टेबर दिखाई पड़ रहा है उसका ऊपर हेड के समान जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है से पे सकर्स प्रेजेंट होगा पर जो प्रेजेंट होगा फिर नेक देख रहे हैं आप फिर आप देख रहे हैं इसमें आपको जो सेगमेंट दिखाई पड़ रहा है, है बोलते है, बोलते हैं हैं स्ट्रोबलाई उनको हम के और इस ग्रेविड का मतलब है उसमें जो है फर्टिलाइजेशन हो चुका है ग्रेविड का मतलब है फर्टिलाइजेशन हो चुका है उसके अंदर जो है वो जो है वो टूट के अलग होगा और नया टेबर वो प्रोड्यूस कर सकता है और मैं जो है वो ग्रेविड बताता है फर्टिलाइज हिस्सा क्लियर चलिए तो यहां पर हमारा प्लेटी हेलमेंट इसमें जितनी भी जानकारी है ना बिल्कुल एकदम आप केवल लेक्चर सुनने के बाद आपको जो जितनी चीजें जितनी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है वो सारी लेक्चर सुनने के साथ ही आपको याद हो चुकी है आंखें बंद कीजिए दस बारह पंद्रह पॉइंट दिमाग में रिकॉल कीजिए सर ने क्या क्या बताया था शुरू के बस याद हो गया बेटा चैप्टर अब इस घंटे भर के बाद अगला तीन घंटा लगाना नहीं प्लेटेस में, में ये जो आपने पचास साठ मिनट जो पचास बावन मिनट आपने जो मेरे को दिए है ना बस यहां पर प्लेटे हेलमेंदस हमारा पूरा हो गया है अब हमको केवल एनसीआर से एक बार पढ़ के इसको रिकॉल कर लेना है जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया आपको वो दिमाग में एक बार रखना और डीपीएस लगा रहे काम खत्म आगे बढ़ते हैं है ना ऐसे तो कोर्स हमको पूरा और ये याद करते रहना हमको एक दूसरे से पूछते रहे याद करते रहे के, तो हमको आ, हम कभी भूलेंगे नहीं क्योंकि एग्जाम में आगे बढ़ने से भी इंपॉर्टेंट है कि पिछला भी याद रहना चाहिए समझ गए तो बेटा पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल द दायफेस्टोन बायोमैट्रिक्स ज्वाइन बायोमैट्रिक्स डॉट ऑनलाइन Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a mentor's online app. From Google Play Store.